थोड़ी देर में होने वाले हैं राज्य के लिए रवाना। क्या कर सकते हो मेरे देखो पाओ ये भी नहीं है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल राम राम जी। तो बस अभी अपन व्लॉग की शुरुआत करने वाले अपनी गौ माता के पास से, क्योंकि पता है आज अपन चलने वाले गौ माता के मेन दरबार में, मतलब अपन चलने वाले हैं आज गिरिराज जी महाराज पे। और आज का अपना व्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि पता है मेरा काफ़ी टाइम से मन था, मतलब गोवर्धन जी आप तो जानते होंगे, और मतलब वैसे भी आज नहीं कल गुरु पूर्णिमा है, मतलब इसलिए चलना तो ज़रूरी है। तो दोस्त वगैरह वहाँ पर वेट कर रहे हैं, गाड़ी से चलेंगे मस्त, कौन सी है और वो सब तो आप देख लेना। तो अभी अपन चल रहे हैं गौ माता का आशीर्वाद लेके मेन दरबार पे, मम्मी के भी आशीर्वाद ले चलते हैं मस्त। ये रही अपनी गौ माता और चलते हैं मस्त, और ये रही अपनी दूसरी गौ माता, क्योंकि पता है मैं गौ माता पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, इसलिए कोई ना और वो अपनी हरियाली मस्त हो रखी है। तो बस चल रहे हैं अभी, जय हो गिरिराज जी महाराज की, यहीं से ही मन्नत मांगते मांगते। तो पहले भाई को पिक कर लेते हैं, साथ में चलेंगे उसके, ठीक है आ जाओ उसके। तो आ लिया भाई, बहुत टाइम लगा दी भाई। मनीष भी गाइस देख लो, मनीष भी तुम सोच रहे होगे, लेकिन मनीष चल नहीं रहा। मनीष चल रहा है, मनीष बोल आ जा, अपन को अकेले ही चलना पड़ेगा। तुम सोच रहे होगे कि है ना मनीष, मुझे कुछ काम है, इसलिए काम है यार भगवान के, वहाँ सब काम छोड़ने पड़ते हैं। 15 दिन बाद क्या है? है कुछ? कोई ना, तू यार कुछ पूरा फेर के नहीं आया? पूरा क्या फेर के आऊं भाई, पूरा ही बैग में रख रखा है मैंने तो, वहाँ का सामान तो मैंने तो फेरने का बैग में रख रखा है। कोई ना, और दोस्त वगैरह कहाँ हैं? बहुत सारे बाहर मिलेंगे कॉलोनी गेट पे। कॉलोनी गेट पे गाड़ी से कौन सी से चल रहे हैं? बोलेरो। बोलेरो अच्छा चल रहे हैं भाई, उनसे भी मिलवा दे गाइस। ये मिल चुका है हमें, जय बजरंगबली लेके नाम चलते हैं। गाइस तो बस अभी अपनी गाड़ी आ चुकी है रेडी होके, और ये अपने सभी भाई लोग, सबके क्या हाल है मस्त। तो बस अभी आ चुके हैं दोस्त वगैरह, इनके साथ चल रहे हैं मस्त, और ये अपनी गाड़ी रही मस्त, चलेंगे मस्ती करते करते चलेंगे गिरिराज चलेंगे। आगे मैं बैठूंगा यार अभी, यार नहीं, 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 नहीं यार आगे तो मैं बैठूंगा यार, ये तो गलत बात है तेरी, अभी बैग को लेने दो। तो बस चल रहे हैं यहाँ से, रवाना हो रहे हैं बस थोड़ी देर में भाई, सभी अपनी आगे मैं बैठूंगा भाई, बिल्कुल नहीं आगे तो मैं ही बैठूंगा भाई। नहीं 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 आगे को लड़ाई कर रहा है यार भाई, बिल्कुल नहीं। ए यार ये तो गलत बात है भाई, 20 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा लेकिन आगे नहीं बैठ। कोई ना कोई ना गाइस। तो बस अभी अपन लेके गिरिराज जी महाराज का नाम हो चुके रवाना। बोल गिरिराज जी महाराज की जय, बोल गोवर्धन महाराज की जय। जय जय जय। तो बस अभी अपन ने मतलब पूर्व रहने वाले स्थान से रवाना हो चुके हैं, हम मस्त चल रहे हैं, बस व्लॉग में भी मजा आएगा और अपने दर्शन भी मस्त हो जाएंगे, लेकिन लेट कर लिया भाई ने। कोई ना स्टेडियम चल रहे हैं यहाँ से, ओके मतलब सीट एक्सचेंज हो रही है, सभी भाई रेडी हो चुके हैं, रवि भाई पीछे जा रहा है। तो बस अभी चल रहे हैं फिर से, ठीक है ठीक है हो गया को सब। देख बच्चा है, देखो आखिरी काफी मेहनत के बाद रवि भाई जा ही चुका है पीछे, हम मस्त चलेंगे ठीक है स्टेडियम, बिल्कुल चलते हैं राजी महाराज की जय। गाइस तो बस अभी अपना ये पहला स्टॉप है, तो बस ये यहीं रोकी हुई है, क्योंकि पता है ये यहीं पर हमें उचित लगी थी जगह, क्योंकि पता है यहीं पर मस्त डीजे वगैरह लगा हुआ है, और मतलब यहाँ पर लोग अपने धर्म का काम चल रहा है। पानी पानी पी लो तुम भी। बस स्टेडियम यहीं रोके हुए हैं, अपना पहला स्टॉप है, और उसके बाद बस मजे मजे करते चलेंगे ठीक है ना। ये रवि भाई का व्लॉग चल ही रहा है मस्त, ये डांस हो जाए।
गाइस तुम्हें पता है अभी अपन यहाँ से हो चुके हैं, फ्री हो लिया भाई, मस्त कर ली मस्ती। गाइस देखो इसको देखो, तो बस मतलब यहाँ से सब कुछ से फ्री हो चुके हैं, मतलब पानी वगैरह पीने सब कुछ करने रोके थे, यहाँ से हो लिए फ्री। अब अपना लास्ट स्टॉप गोवर्धन का ही होगा। हाँ मतलब वो चीज बढ़िया लोकेशन लगी थी। हाँ भाई साहब, भाई फिरी है तो बस। हाँ भाई क्या हाल है? बस साहब अब कर ब्लॉग में सीधी सीधी मीम से बढ़ाऊंगा तेरी। बैठ लिए सभी भाई, रुको एक सेकंड, गेट लगाता हूँ सही तरह से। अब लगा लिया तो बस बस अभी अपन फिर से चल रहे हैं। हाँ गोवर्धन महाराज जी मस्त मजा है, और अच्छी अच्छी लोकेशन पे भी चलेंगे, तो बने रहिए ब्लॉग में, मजा ही मजा आएगा। ठीक है आ जाओ फिर से। बोल गोवर्धन महाराज की जय। चलो गाइस तो बस अभी अपन अपना है थर्ड स्टॉप, अभी अपन यहाँ रुके हुए हैं। दराजर अभी यार उधर क्या देख रहा है, यहाँ रुके हुए हैं अभी अपन। अभी हम रुके हुए हैं एक ढाबे पे जो बोलते हैं, क्योंकि आसपास ना यही यही है अभी अवेलेबल है, तो हमने भी यहाँ स्टॉप लिया है। और देन अभी इसके बाद खाना वाना खा के सीधा निकलेंगे गिरिराज जी की तरफ, और वहाँ जो भी करेंगे हम आपको मस्त मस्त बता देंगे एक साथ, और इतना एंजॉय करेंगे ना। एंजॉय देखो अभी हम लोग करने वाले हैं, एंजॉय मतलब वो वाली परिक्रमा होती है ना, उसमें कैसा मजा आने वाला है। और ये अभी तो क्या है, कल ना गुरु पूर्णिमा है, सबसे बड़ी पूर्णिमा, तो इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ है। वजह से हर साउंड ही साउंड है पूरे रास्ते में, इतना डीजे वगैरह और परिक्रमा, और देख देख कितना क्राउड होता है इस बार। चलो बस पहले लास्ट स्टॉप पे खाना खा लेते हैं, मस्त खाना खा पी के मस्त चलेंगे, है ना। तो गाइस अभी हम लोग खाना वाना खा रहे हैं, देखो आ चुका है खाना सभी। हेलो खाना हो चुका है रेडी, बस अभी सभी भाई खा रहे हैं खाना, और देन सीधा निकलेंगे यहाँ से। यहाँ से यार बहुत लेट हो चुके, 10:30 से भी ज्यादा हो चुके, खाना खा पी के मस्त सब कुछ से कंप्लीट, फिर डायरेक्ट निकलेंगे अपन। ओके ठीक है सर, ठीक है खाना खा लो। गाइस तो बस अभी अपन मतलब यहाँ से कम्प्लीटली खाना खा पी के मतलब सब कुछ से हो चुके हैं फ्री। रवि भाई बोलिए, खाना खा लिया भाई? बहुत बढ़िया एकदम, बहुत बढ़िया सब कुछ खाना खा पी के कम्प्लीट। तो बस अभी अपन डायरेक्ट अगला स्टॉप भाई कहाँ का होगा अपना? गोवर्धन चलेंगे मस्त, तो आ जाओ चल रहे हैं यार। परेशान परेशान तो क्या, खाना खा लिया मस्त, तो बस चल रहे हैं डायरेक्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है अब लास्ट स्टॉप है, ओके आ जाओ भाई, आ जाओ। गाइस तो बस अभी अपन आखिर काफी टाइम बाद 11:30 बजने के बावजूद अभी अपन पहुंच लिए हैं, पता है अपनी लोकेशन पे गोवर्धन महाराज जी। तो बस अपना पहले तो सामान वगैरह निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद अभी तो है ना परिक्रमा चालू होगी, वो तो आगे से होगी बहुत। यहाँ पर तो पार्किंग वगैरह लगवा रखी है यहीं पुलिस वालों ने, इसलिए यहीं रुके हैं। तो बस अभी चार्जर वगैरह, बस रुको एक सेकंड, चार्जर वगैरह निकाल के सब कुछ से कंप्लीट फ्री होके। ये रहा अपना चार्जर, और रुक लो एक सेकंड, एडेप्टर और ले लेते हैं फिर लेके। अरे यार रुको एक सेकंड, तो बस अभी अपन डायरेक्ट परिक्रमा में शामिल होंगे थोड़ी देर में। ठीक है ठीक है, सभी लोग चल रहे हैं मस्त, आ जाओ। गाइस मस्त क्राउड हो रहा है, चले सब कुछ से रेडी है, चल रहे हैं अब। ठीक है मस्त, पजामा में चलेगा? हाँ हाँ मैं पजामा पहन जाऊँ, मैं वाह लगा यार, चल तो जीप तो जा तुम। गाइस तो बस अभी अपन परिक्रमा द्वार पे पहुंचने वाले हैं काफी टाइम बाद। गोवर्धन महाराज आज की जय। तो बस
पहले बड़ी वाली गाइस, तो बस अभी अपन बड़ी परिक्रमा चालू होने वाली है। अभी अपन गिरिराज जी के साथ चले, अभी अपन को बड़ी और छोटी 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी करके फिर वापस यहीं आना मंदिर पे। तो बस यहीं से आरंभ करते हैं बड़ी परिक्रमा, ठीक है। चलो भाई, परेशान हो रही है काफी ज्यादा भाई। पहली परिक्रमा मतलब है ना, थोड़ी देर में पूरी होने वाली है भाई। बहुत ज्यादा क्राउड हो रहा था, मस्त देखो चारों तरफ भीड़ ही भीड़। अब क्या ही कर सकते हैं, मस्त परिक्रमा देते देते मस्त चल रहे हैं। स्टे ट्यून, बने रहिए ब्लॉग में, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, उधर देखो, सब जगह लोग ही लोग। आ जाओ चलते हो, चलो भाई। तो बस अभी अपन यहाँ से मतलब कम्प्लीटली परिक्रमा से हो चुके हैं, बिल्कुल फ्री। रवि भाई कैसा लग रहा है आपको? देखा ऐसा भाई, मतलब हालत खराब हो रखी है। तो मैं पूरा सीन समझाता हूँ। परिक्रमा तो दे ली अपन ने, तो मतलब मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, तो बस भाई के पास आए, मतलब भाई की दुकान है तो यहीं पर चार्ज वगैरह लगाया था, तो बस चार्ज वगैरह हो चुका है फुल। तो बस अभी क्या प्लान है रवि? हेलो, रोड बताने का। हेलो, अभी क्या प्लान है? मानसिकंगा। तो बस परिक्रमा हो चुकी है पूरी, तो अभी अपन यहीं पर चल रहे हैं। पहले तो मानसिकंगा में नहाएंगे, नहा दोगे फिर प्रसाद वगैरह छिड़ा के अपनी गाड़ी की तरफ निकलेंगे। तो बस अभी अपन यहाँ से तो चल रहे हैं। थैंक यू भाई, ठीक है, मिलते हैं बाद में। ओके ओके ओके, ठीक है छोटू, बाय, ठीक है चले। अरे मैं सोच रहा हूँ मेरी चप्पल कहाँ है। गाइस देखो, भीड़ तो वही हो रहा है, क्राउड बहुत खतरनाक। तो बस चल रहे हैं अभी, आ जाओ इधर है मानसी को। क्राउड कितना ज्यादा है, चलो गाइस। तो बस अभी अपन पहुंच चुके हैं मानसी को। ये देखो चट्टी पहलवान, और ये ना क्या आएगा, फिर मैं आपको दिखाऊं कैसे आता है। हो गया जल्दी कह रहे थे, बाहर चल रहे हैं, बोलते रहे आप आ जाओ। भाई तो अभी सोनू भाई आ चुका है अपना, ये भी नहीं है कीचड़ के पानी में। गाइस तो बस अभी अपन मतलब क्या मानसिकंगा में से तो नहा धो के कंप्लीट आ चुके, फ्री हो गए। तो भाई नहा लिया ना भाई, मैंने कितनी बार बोलूं, मैंने मुंह धोया यार भाई, मैं नहाया ना भाई। ये तो नहाया नहीं, मुंह धो के ही काम चला लिया। बार बोलेगा तुम लोगों को, और काफी बार बोलूंगा, एक दो बार और बोलूंगा। भाई नहा लिया, देखो ड्रेस चेंज किया और कुछ नहीं किया, सब कुछ कर लेगा। तो बस अभी अपन उधर चलेंगे, प्रसाद वगैरह छिनाएंगे यहीं से, प्रसाद वगैरह लेके
फिर मंदिर में दर्शन करेंगे भगवान के, ठीक है आ जाओ। गाइस देखो क्राउड कितना ज्यादा हो रखा है, मस्त हो रखी है भीड़। और भाई अब क्या ही बोले, भगवान की नगरी में बस चल रहे हैं, यहीं से प्रसाद वगैरह लेंगे। मैं अभी मंदिर पे पहुंच चुके हैं, भीतर चल के मस्त आपको दर्शन करवा देंगे। तो बस प्रसाद वगैरह लेके डायरेक्ट मंदिर ही चलेंगे, ठीक है। आज यार बहुत ही ज्यादा भीड़ है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अभी अपन प्रसाद वगैरह लेके तो हो चुके हैं कम्प्लीट, तो बस अभी अपन मंदिर और चल रहे हैं। और उसके बाद करिए मंदिर हम, बस अच्छे खासे से दर्शन हो जाए बस। और क्या यार भीड़ तो बहुत ही ज्यादा पड़ रखी है आज, कोई ना चल रहे हैं, ठीक है। गाइस तो बस अभी अपन सब कुछ से फ्री होके आ चुके हैं, प्रसाद वगैरह सब कुछ, दर्शन वगैरह सब कुछ से कंप्लीट। तो बस अभी अपनी गाड़ी की तरफ चल रहे हैं और उसके बाद अपडेट देंगे, ठीक है। परेशान लो जी, रुको एक सेकंड, सड़क पर ही ये लो अपना भी रिक्शा आ लिया, बस चल रहे हैं अपनी गाड़ी के पास, ठीक है। चलो आ लिए गाइस, तो बस अभी अपन मतलब गाड़ी पार्किंग में से आ रही है थोड़ी देर में, क्योंकि पता है अपने दोस्त लोग हैं ना, उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया उन्होंने, मतलब इसलिए दो लड़के तो आ गए अपने साथ वाले, एक ये रहा, एक यही कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने रोके, क्योंकि पता है एक अपनी गाड़ी है ना वो आ रही है, गाड़ी पार्किंग में निकलने में टाइम लग रहा है थोड़ा, मतलब तब तक ही दोस्त वगैरह आएंगे फिर साथ में चलेंगे। भाई परेशान हो लिया, अब क्या ही कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लो तुम तब तक, ठीक है मस्त, ओके। गैस तो बस अभी अपनी गाड़ी आ चुकी है काफ़ी टाइम बाद, सभी मतलब रेडी। तो बस पहले तो अभी अपन गेट खोलते हैं, गेट खोलते हैं और चलते हैं अभी मस्त, क्योंकि पता है आज हो रखी है हालत ख़राब, और अब चलेंगे मस्त डायरेक्ट, हाँ पता है मेवा के लिए रवाना हो रहे हैं थोड़ी देर में, ठीक है ओके, बाद में ले लेना तेरी कसम, आजा चल बैठ जा पीछे। गाइस तो बस अभी अपन सभी भाई लोगों के साथ मस्त आ चुके हैं गाड़ी में, तो बस यहाँ से रवाना ही है। टोपी तो लगा ली भाई, मस्त नहीं बेकार लग रही है। देखो मजा ले रखा है, और भाई सब लोगों की परिक्रमा कैसी रही भाई, बहुत स्टैंडर्ड, बहुत मस्त मजा आ गया सब में, लेकिन है ना सबसे एंड में कौन आया भाई, टिंकू भाई, टिंकू ये मतलब पहले तो सबसे तेज तेज भाग रहे थे लेकिन फिर भी एंड में आए, अब क्या ही कर सकते हैं। तो बस टिंकू भाई तुम्हें पता है ब्लॉग में काफी मजा आया होगा, तुम्हें पता है तुमने देखा बहुत ही जयोगी राज जी महाराज, एक बार जय और लगा दे, अब चल रहे हैं। टिंकू कुछ बोलना चाह रहे हो, बोलोगे? हाँ तो भाई साहब इसलिए थे हम सबसे लास्ट में इसलिए आए, हाँ एक ही परिक्रमा दी है भाई 11 किलोमीटर की और हम पूरे 21 किलोमीटर के, ये गलत बात है, ब्लॉग मंड रहा है, तुमने ब्लॉग में देखी ना, ये तो भाई पीछे पीछे रह गए, ये आवाम में तुम्हारी असलियत बता दे रवि, ये क्या करते आ रहे थे, ये करते ये लड़की बाजी करते आ रहे थे, लड़की बाजी और दूसरा भंडारे को चटर, हाँ भंडारे भंडारा खाते आ रहे थे, बता रहे कते खुदन की आदत नहीं, ये इनकी आदत है तो कोई ना छोड़े, रसगुल्ला और पूरी कच्ची नहीं छोड़े, तो गाइस प्रसाद तो खाना पड़ता है, प्रसाद तो खाना पड़ता है, तो बस हम आए थे उसी मनोकामना से, गिरिराज जी महाराज की अपनी मस्त परिक्रमा हो गई, दर्शन हो गए, तो बस हमें यही चाहिए था, इसलिए अभी अपन व्लॉग को करते हैं यही एंड। आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर, मिलते हैं कल किसी न्यू व्लॉग के साथ, ठीक है ओके, बाय बाय, टाटा गुड नाइट, लव यू ऑल, ओके।